प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म इज फर्दर डिवाइडेड इनटू साइटोसोल व्हिच इज हायलोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म को फर्दर जब डिवाइड करते हैं तो आता है, पहला आता है साइटोसोल व्हिच इज हायलोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनिल हायलोप्लाज्म, हायलोप्लाज्म देयर आर सेल ऑर्गेनल्स एंड देन फाइनली देयर आर एर्गास्टिक सब्सटेंसेस, एर्गास्टिक सब्सटेंसेस। अब इनका मतलब क्या है देख लो, साइटोसोल हायलोप्लाज्म द एक्वियस कॉम्पोनेंट ऑफ द साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो लिक्विड पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है उसको हम हायलोप्लाज्म या साइटोसोल के नाम से जानते हैं, ठीक है। लिक्विड पार्ट द क्लियर फ्लूइड पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म, ठीक है। जो क्लियर फ्लूइड होता है ना साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म का जो क्लियर फ्लूइड होता है दैट इज हायलोप्लाज्म एंड एर्गास्टिक सब्सटेंसेस। लेट्स हैव अ लुक एट एर्गास्टिक। ऑयल ड्रॉप्स, गम्स, टैनन्स, रेजिन्स, नॉन लिविंग बाय प्रोडक्ट्स, ओके। एर्गास्टिक सब्सटेंसेस आर जस्ट बाय प्रोडक्ट्स, ओके। तो साइटोसोल इज द वॉटरी पार्ट, एर्गास्टिक सेल ऑर्गेनल्स तो यू ऑल नो ऑलरेडी, एर्गास्टिक सब्सटेंसेस कुड बी यूजफुल, कुड बी यूजलेस एंड आर बाय प्रोडक्ट्स, ओके, दे आर बाय प्रोडक्ट्स। So this is about the cytoplasm. Then due to the presence of large immature plant cells, you know, mature plant cells, matlab ki plant cells that are properly matured now, they're big enough, they're grown up. So in them, due to the presence of a large vacuole, the cytoplasm exists in the form of a thin layer between plasma membrane and tonoplast. Theek hai, itna large vacuole hota hai. इतना बड़ा तो उसमें वैक्यूल ही रहता है, तो टोनोप्लास्ट जो है वो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है, इसलिए साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट्स इन अ थिन लेयर बिटवीन नॉन ऑफ दिस, साइटोप्लाज्म एग्जिस्ट्स इन अ थिन लेयर बिटवीन द साइटोसोल, लाइक मतलब छोटी सी पतली सी जो लेयर है उसमें एग्जिस्ट करता है साइटोप्लाज्म इस तरीके से। साइटोप्लाज्म मतलब सेल ऑर्गेनल्स, बाकी सारी सब्सटेंसेस, वो सब इतनी छोटी सी लेयर में रहते हैं, मतलब इतनी थिन लेयर में वो एग्जिस्ट करते हैं, न्यूक्लियस ये वो ऐसे छोटी सी। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल, प्राइमोर्डियल यूट्रिकल। साइटोसोल इन जनरल एग्जिबिट्स ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म विच इंक्लूड नेचुरल प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। इन मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। द पेरिफेरल लेयर ऑफ साइटोसोल विच इज रिलेटिवली नॉन ग्रैनुलर, विस्कस एंड क्लियर इज नोन एज एक्टोप्लाज्म एंड द इनर पार्ट इज एंडोप्लाज्म विच इज ग्रैनुलर एंड लेस विस्कस। Different workers advance different theories about the physical characteristics of matrix. So this cytosol can also be divided into ectoplasm, endoplasm. अंदर की तरफ जो है बहुत ज़्यादा granular हो जाता है, बाहर sides में जो है कम रहता है, तो there are two types of cytosols also. Next, primordial utricle.
Hello guys, this is Anup Kumar and today I am going to show you that how to draw. Nucleus. To plus. Guys, this condition is. This is primordial utricle. Thank you guys for watching this video. And guys, if you like this video, then hit on the like button and subscribe to my channel. And I told you about ectoplasm and endoplasm. Viscosity, this word I don't know the meaning of. Viscous. Thick, sticky substance. So what have they said? The endoplasm, non-granular, viscous and clear. जो ग्रैनुलर होते हैं वो लेस विस्कस होते हैं, वो लेस थिकर होते हैं, वो पतली सी पतला सा पानी होता है उसमें सब फ्लोट कर रहे होते हैं. साइड की तरफ पे ज़्यादा ग्रैनुलर होते हैं, ज़्यादा विस्कस होते हैं, थिक. ठीक है, विस्कोसिटी. आई हैव टू नो व्हाट दिस टर्म मींस एनीवेज, आई एम गोना सर्च. थैंक्स टू क्यूरियोसिटी स्ट्रीम फॉर स्पॉन्सरिंग दिस वीडियो. Everyone has an intuitive understanding of what the viscosity of a fluid is. Honey is more viscous than oil, and oil is more viscous than water. Viscous fluids feel thicker and don't flow as easily. Okay, thickness of a fluid.